हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो हम लोग अपना गांव के अंदर शबे खदर की ये जो नमाज के लिए आदमी लोग तैयार होते हैं अपना चैनल के द्वारा आप सब लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। गांव का बड़ा मस्जिद है, जामिया मस्जिद है, ये तो एकदम वजू बनाने के लिए। तो इधर देखिए, हाउस करके बताते हैं, इधर तो सब लोग शबे खदर की नमाज के लिए धीरे धीरे से आदमी लोग आना चालू किए। और भी हम लोग अपना चैनल के द्वारा आप सब लोगों को मस्जिद का मंजर, ये जो शबे खदर के अंदर आदमी लोग अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं, हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो एकदम पुराने ज़माने का हाउस है, इसके अंदर तो आदमी लोग मछली भी छोड़ा है, छोटे छोटे मछलियाँ और सफ़ेद और लाल मछली भी इसके अंदर है, बड़ा मछली भी है। आप लोगों को मैं, क्योंकि इसके अंदर जो गंदगी रहता है ये मछली पूरे साफ़ कर देते हैं, देखने के लिए ये अच्छा है। इधर तो बहुत से बच्चे लोग आदमी लोग सब वजू बना रहे हैं। देखिए आदमी लोग सब लोग, अभी गांव के बच्चे जितने हैं, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग सब इधर तो नया नया कपड़ा खरीद के अभी पहना है। जो शबे खदर के दिन तो बहुत से आदमी लोग रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं। इधर तो देखिए, इधर भी वजू बनाने के लिए लोग को इंतज़ाम किया है। अभी जितना आदमी गांव का धीरे धीरे से आ रहा है, अभी देखिए गांव के जितने भी छोकरे हैं एकदम नया नया कपड़ा पहन के आया है। ये लोग को देखते ही ईद के दिन जैसे जैसे आगे आते हैं तो शबे खदर आने के बाद में और 3-4 रोज़े से ज़्यादा नहीं होते आदमी लोग के पास, तो इतना अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो देखिए ये लोग में कितना खुशी से सब लोग वजू बना के नमाज के तैयारी कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर तो आदमी लोग एकदम फुल हो गया है। अभी मैं आप लोगों को बाहर का मंजर अभी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोगों को मस्जिद के अंदर जितना आदमी है एकदम फुल से आ गया है। अभी खुद देखिए, नमाज के लिए तैयारी के लिए इधर बैठे हैं भाई साहब लोग, कोई कोई नमाज पढ़ रहा है। ये जो मस्जिद का अंदर का जितना आदमी लोग अभी नमाज चालू नहीं हुआ है, खुद आप लोगों को खुद अपना चैनल के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। अल्लाह की इबादत जितनी है इधर देख के पता चलता है कि पहले हमारा जो दिन गुजरते थे उसके अंदर एक सबसे ज़्यादा नहीं होते हैं। अभी तो नीचे ऊपर मस्जिद फुल हो गया है। मस्जिद तो एकदम सही तरीके से इसके अंदर पूरा एसी लगाया हुआ है। गांव का जामिया मस्जिद तो बड़ा है, आप लोग को खुद अपना चैनल के द्वारा ये मस्जिद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दो आदमी जो बगैर किसी मुलाजमत के, बगैर किसी उजरत के काम करते हैं, इनको भी कुछ देकर खुश कर दे तो बेहतर। अस्सलाम हले, छोकरे लोग भी इधर बाहर खड़ा है। अभी तो 15 मिनट और बाकी है नमाज के लिए। इधर तो एकदम बड़ा मस्जिद है, ऊपर भी इधर तो छोकरे लोग सब बच्चे ये सब नमाज के लिए आए हैं। देखिए बच्चे तो एकदम नए नए कपड़े पहन के आए हैं। ये तो ऊपर का मंदिर है, ऊपर भी ज़्यादा से लोग हैं। अभी तो नमाज का वक्त के लिए और 10 मिनट बाकी है। मैं ऐसे भी अपना गांव के अंदर, जैसे जैसे नमाज का वक्त ख़त्म अभी आगे आगे जा रहा है, अभी तो 10 मिनट और बाकी है। आदमी लोग धीरे धीरे मस्जिद को आना चालू किए। आप लोग खुद अपना चैनल के द्वारा देखिए, इधर तो एकदम फुल हो गया है। वापस और भी लोग आ रहे हैं।
सब लोग आ रहे हैं। देखिए अभी तो कहाँ ग्राहले रात हो ना, कुछ जाना ठीक है ये सामने आज जा सामने। हाँ कटे अभी तो नमाज का वक्त चालू हो गया है, आदमी लोग पूरे सब सही कर रहे हैं। देखिए अभी तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे को ऐसे ही अपना चैनल के द्वारा। ज़्यादा आदमी लोग रहने के वजह से मैं अंदर का मंजर आप लोग को दिखा नहीं पाया, ऐसे ही बाहर ही पड़ रहा हूँ दिखा रहा हूँ। देखिए जो बूढ़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं इधर तो ये लोग को कुर्सी का भी इंतज़ाम किया है। इधर तो अभी चार रकात नमाज पूरा हो गया है, ऐसा भी चार रकात नमाज के बाद दुआ ही हो रही है, फिर वापस तरावे के लिए अभी तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे नमाज ख़त्म होता है आदमी लोग तो इधर तो चाय पानी के लिए आ जाते हैं, इधर तो रात भर चाय का इंतज़ाम किया है। बहुत से लोग चाहत से रात में नमाज़ पढ़ते हैं, वापस फिर अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में जाते हैं। हम लोग इधर बाहर का भी है जो आदमी लोग जैसे चाय पीते हैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपना चैनल के द्वारा। अभी तो तरावे की नमाज ख़त्म हुआ है, इधर तो अभी जो शब ख़दर की रात के लिए जो क़दर कैसे करने का अल्लाह ताला की क्या फरमाइश है बता रहे हैं। आत्मन लोग इधर से सब लोग बैठ के आराम से वाज बयान सुन रहे हैं। बच्चे भी नमाज को आए फिर मस्जिद के अंदर ऐसे ही सो गए। अभी तो अंदर और बाहर ये लोग जो शबे कदर के लिए अल्लाह ताला की क्या फरमाइश है इधर तो मस्जिद में बना बता रहे हैं। तो आदमी लोग सब आवाज़ सुन रहे हैं, कोई कुरान पढ़ेंगे और रात भर नमाज पढ़ेंगे। जो खबर खदर के अंदर आदमी लोग को जितना अल्लाह के पास जो जो दुआएं हैं मांगते हैं अपना चैनल के द्वारा अपना गांव के अंदर जो मस्जिद के अंदर जैसे नमाज पढ़ाते हैं आदमी लोग कैसे बैठते हैं कैसे रहते हैं गांव का मस्जिद कैसा है आप सब लोगों को हम अपना चैनल के द्वारा दिखाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फिर खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।